जयपुर में विधानसभा में डूंगरपुर विधायक गणेश लाल घोगरा के बयान के बाद में भारतीय जनता पार्टी ने उनको घेरना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी जनजाति मोर्चा बांसवाड़ा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उनके इस बयान से आदिवासी समुदाय पर कोई फर्क नहीं पड़ता है और उनको इस तरीके से जनजाति समुदाय को किसी भी तरीके से बरगलाने की आवश्यकता नहीं है और इनके इस बयान की कड़ी निंदा की। और इसी बीच बाद में कांग्रेस के विधायक भाई गणेश जी जो डूंगरपुर से निर्वाचित होकर आए हैं, उन्होंने अपनी बात को कहते कहते इस तरह के हम हिंदू ने इस तरह की बात किए करके हमारा आदिवासी कल्चर अलग गया, हम अलग से इस तरह की उन्होंने बात कही, वो बिल्कुल ही गलत कही है। हमारे भी कुछ साथियों ने इस बात को हमने सबने समर्थन करके कहा, हम शुरू से हिंदू हैं, हिंदू परिपाटी में रहते हैं, हिंदू परिपाटी में हमारी शादी विवाह हमारा सामाजिक जो भी रहन सहन वगैरह सब कुछ है, तो हमारा धर्म ही हिंदू है। कि हिंदू समाज और आदिवासियों का बंटवारा करने का ये शब्द लग रहा है। परंपरागत आदिवासी हिंदू धर्म संस्कृति के साथ में है और इस तरह की बात कह करके कई राजनीतिक रोटियां सेकने का मामला जरूर दिख रहा है। डूंगरपुर के विधायक गणेश घोगरा द्वारा विधानसभा के अंदर जब उनको बोलने का अवसर दिया गया कि जनजाति क्षेत्र के बारे में आप कोई विषय रखें, लेकिन वो जैसे ही वहाँ पर खड़े हुए तो उन्होंने अपने वक्तव्य के अंदर एक बात कही कि जनजाति समाज के हमारे बंधु हमारे आदिवासी भाई हिंदू नहीं है, तो इस तरह का उनका गैर जिम्मेदारा बयान कहीं ना कहीं इस वनवासी क्षेत्र के अंदर इस आदिवासी क्षेत्र के अंदर आदिवासियों में फूट डालने का प्रयास किया जा रहा है। ये बांसिया की बांसिया बेडसा के पास में छाणी मंगरी पर संत गोविंद गुरु ने वहाँ पर नौ ध्वनियों को प्रज्वलित किया और वहाँ नौ ध्वनियों को प्रज्वलित करके पूरे हिंदू समाज में हम जितने भी आदिवासी लोग हैं, अरे मैं कह रहा हूँ ये जो हिंदू और ईसाई की जहाँ बात आ रही है, संत गोविंद गुरु नहीं होता तो राजस्थान मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमावर्ती इलाके में रहने वाला आदिवासी ये तो आज़ादी से पूर्व, आज़ाद तो हम 47 में हुए लेकिन आज़ादी से पहले ब्रिटिश शासनकाल में सारे आदिवासियों को ईसाई धर्म में वहाँ पर सबको सम्मिलित कर लिया होता और साथ दिया है। मैं तो पहला कहना चाहता हूँ कि अगर तू हिंदू नहीं है ये अच्छी बात है, तुम वहाँ के आदिवासियों को जाकर के पूछो कि तुम कौन से हिंदू हो, वो आदिवासी है लेकिन आदिवासी के नाम पर वहाँ पर कौन सा धर्म है। वहाँ हमारे तो यहाँ पर संत गोविंद गुरु ने 1830 के आसपास में ये सारा जागरण किया और इतना बड़ा आंदोलन 17 नवंबर 1931 को हमारे मानगढ़ के ऊपर बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया और अंग्रेजों के सामने लड़ाई लड़ी। ये कई पार्टियां छोटी मोटी इधर इधर करके ये लालच में कुछ गरीब लोगों को लालच देकर इनको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसको हम बर्दाश्त नहीं करें। हमारा जो आदिवासी है वो सदियों से सब समाजों से पहले यह रहा हुआ है, आदिकाल से रहा हुआ, इसलिए आदिवासी है, इसलिए वो पीछे हटने वाला नहीं है। ये कुछ भी करके हमारे इस धर्म को नष्ट करते हैं, हम कभी धर्म को नष्ट नहीं करने देंगे।